अमेठी में एक बार फिर से एक बड़े अस्पताल पर कई बड़े आरोप लगे हैं। यहाँ एक परिवार अस्पताल के सामने घंटों खड़ा रहकर कार्रवाई की मांग करता रहा। उनका आरोप है कि उनके बच्चे के मरने के बाद भी अस्पताल ने तब तक सुपुर्द नहीं किया जब तक पूरे पैसे का भुगतान नहीं हो गया। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। मामला कबरौली थाना क्षेत्र में मौजूद सूर्य अस्पताल का बताया जा रहा है। थाना मोहनगंज के फूला गांव में रहने वाले महेश ने ये मामला दर्ज कराया है। आरोप के मुताबिक बच्चा जिसका नाम आकाश था वो बुखार से काफी दिनों से परेशान था। उसकी उम्र महज 7 साल थी। परिवार उसे सूर्य अस्पताल में लेकर गया जहां बताया गया कि बच्चे को डेंगू है। परिवार ने अपने मासूम से बच्चे को वहीं भर्ती करा दिया जिससे उसे सही इलाज मिल सके, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, बच्चे ने दम तोड़ दिया। परिवार का आरोप है कि बच्चा रात में ही दम तोड़ चुका था, लेकिन परिवार वालों को डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया। परिवार ने उसे लखनऊ ले जाने के लिए जब एम्बुलेंस मांगी तो उसके लिए भी अस्पताल से मना कर दिया गया। नहीं सर, ये 12 बजे सर भर्ती हो गया था राती में सर, लेकिन हम सुबह आए तो बोले चल रहा, लेकिन पूरी कोई मैसेज नहीं दिया। मैं अभी गाड़ी मांगा तो गाड़ी नहीं दिया लखनऊ ले जाने के लिए। अभी बोले ले जाओ, जब खत्म होगा तो बोले ले जाओ घर। पूरा पैसा जमा कराने के बाद ही पैसा बोले बच्चा एक्सपायर हो गया। कब एक्सपायर हुआ? रात में हुआ, 2 बजे। 2 बजे सर। आपको कब जानकारी हुई इसकी? जानकारी मैं सुबह आया 10 बजे सर, मैं तो बाहर था, मैं तो अभी आया हूँ सुबह। वहाँ जाओ तो बस खड़े थे, यहाँ जाओ वहाँ टिकने नहीं देते, बाहर निकाल देते थे। मृतक आकाश के पिता का कहना है कि वो काम के सिलसिले में बाहर गए थे। वे सुबह 6 बजे जब अस्पताल आए तो उन्हें बच्चे से मिलने नहीं दिया गया और जहां बच्चा एडमिट था वहां आसपास भी किसी परिवार के सदस्य को खड़ा तक नहीं होने दिया जा रहा था। वही राजू नाम के एक शख्स का कहना है कि हॉस्पिटल ने बिल में लिखा पूरा पैसा जमा कराने के बाद बताया कि बच्चे की मौत हो गई है। बच्चा रात में डिस्पायर हो गया था 2 बजे रात में, तो यहाँ आज बता रहे हैं कि बच्चा डिस्पायर हो गया। बिल जमा करने के बाद बोल रहे हैं पूरा पैसा ले लिए हैं, तो बोले बच्चा डिस्पायर हो गया है। कब एडमिट किया था आपने बच्चे को? सर ये 2 दिन हो गया। 2 दिन हो गया जी। तो ये कल सुबह आया था, कल बच्चा ऑपरेशन में है आपसे, और कब बताएं आपको कि बच्चा खड़ा हो गया? ये अभी 11 बजे बताएं। बच्चा बिल जमा करने के बाद ये बोले बच्चा डिस्पायर हो गया है। आपके हिसाब से बच्चा कब एक्सपायर हुआ है? 2 बजे रात में कल। इस मामले में लगातार अस्पताल प्रशासन और पुलिस प्रशासन लोगों को समझाता नजर आया। अस्पताल प्रशासन इन सारे आरोपों को सिरे से नकार रहा है। वही थोड़ा थैली कैसा लगा रहे हैं कि मरने के बाद भी ये लोग ऐसा किए? मरने के बाद पैसा लिए हैं, मरने का इलाज होता है। अरे भाई, वो जो दवा दिए हैं उस बात का पैसा नहीं, डॉक्टर है तो बता देते हैं। हमें परेशान क्यों हो? हम लोग 3-4 दिन से खाना नहीं खाए, ऐसे ऐसे फालतू घूम रहे हैं। क्यों नहीं खाया? तो चार तबियत खराब नहीं खाई, तबियत खराब नहीं खाई, ये बहुत बहुत बड़ा इशू नहीं हमारे। वही इस मामले में मृतक के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और निष्पक्ष जांच करते हुए कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। ये खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद तौफीक ने कवर की है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।